स्नेहा तनवर, हमें आपको बताने में खुशी है कि आपको हमारे मुंबई हेडक्वार्टर्स में एज सीनियर अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है। आपको 15 जून 2013 से ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। 15 जून ये तो अभी है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेट्स दीदी। थैंक यू। मोहसा जी। पापा। कंग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। पापा। अब आज तो पार्टी होनी चाहिए ना? बिल्कुल ठीक। आज हम सब मिलकर बाहर खाना खाने जाएंगे, हैं? ये। अगर मैं ना खुश हूं तो कोई और कैसे खुश हो सकता है? क्या नफरत का कोई मापदंड है? ये नफरत खुशी और नाखुशी के बीच का फर्क मिटाने के लिए किस हद तक जा सकती है? मुंबई से कुछ ही घंटे दूर है। जॉइन करने के बाद काम में इतनी बिजी मत हो जाइयो कि सबको भूल जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है मासी। पर हाँ, नया जॉब है, नया शहर। मैं मुंबई को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। लड़की जल गई है, हमें मदद की जरूरत है। आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है? वो तो नहीं मालूम साहब। ले आ गया हूँ।
देखिए, हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हम तो इस शहर में नए हैं, हमें नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ पे। आप फिक्र मत कीजिए, स्टेशन के पास में हॉस्पिटल है, मैं आप लोग को वहाँ लेके चलता हूँ। आप लोग जरा सहयोग करिए। भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे कोई मदद करो। लगता है एसिड था, मेरा हाथ जल रहा है। मुंबई के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े एक लड़की पर किसी ने तेजाब फेंका। हमलावर भाग निकला और नेहा तनवर बुरी तरह से जख्मी हो गई। इस जुर्म की खबर ने सिर्फ मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, आपकी लड़की की हालत बहुत खराब है और उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। आप प्लीज उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम तो मुंबई पहली बार आए हैं। टाउन साइड में एक हॉस्पिटल है, हम इन्हें एम्बुलेंस से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। जी, आपको यहाँ पर एम्बुलेंस मिल जाएगी, आप जल्द से जल्द उन्हें शिफ्ट करवा लीजिए। कुछ पता ही नहीं चला साहब, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आके रुकी थी, लोग गाड़ी से उतर रहे थे और अचानक कुछ हुआ, फिर लड़की चीखने लगी। वो लड़की को कहाँ लेकर गए? एक साथ थे, उन्होंने मदद की, इधर बगल वाले हॉस्पिटल में लेके गए। वो अपना वेस्ट में राइट में पड़ता है ना। बात करो। हाँ सर, वही बेचारे। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम तब तक CCTV फुटेज लो और आसपास के लोगों से पूछताछ। सर, जी वो लोग 10 मिनट पहले ही यहाँ से निकले, लड़की की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। हुसैन हॉस्पिटल? जी हाँ, मैंने उनको वहाँ पर भेजा है। मैं उस लड़के के पीछे भागा साहब, उस ब्रिज तक पीछा किया मैंने उसका, पर वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। अगर हम उस लड़के को पकड़ लें तो मुझे पहचान लूंगा? बोल नहीं सकता साहब, क्योंकि उसने रुमाल बांध रखा था मुझ पर। सर, पास के क्लिनिक से मैं दवा लगा के आ रहा। तुमने लड़के को देखा था? नहीं सर, मैं तो प्लेटफॉर्म 6 पर जा रहा था लोकल पकड़ने, तभी मेरे हाथ पर कुछ गिरा, इतना तेज दर्द हुआ कि किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं किया, इतने में सब लड़के के आसपास जमा हो गए। सर, कुछ पता नहीं सर, हम तो बस ट्रेन से उतरे ही थे। और आपका भी हाथ जल गया? सर, हमने उसकी चीख सुनी और देखा कि एक लड़का भागा जा रहा है। आप लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से आए हो ना? जी सर, हमारी भांजी नेहा ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में एज सीनियर अकाउंटेंट ज्वाइन करने वाली थी। देखिए, हमने अपने प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शंस कर ली हैं, हमें फौरन सर्जरी करनी होगी क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। सीरियस मतलब कितनी सीरियस? 20% बर्न्स हैं, मगर उसकी राइट आई पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, चेस्ट नेक सब बुरी तरह जख्मी है। आप लोगों को फौरन कुछ फॉर्म्स पे साइन करना होगा। ये हादसा आज सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ। हमारी जानकारी के अनुसार इस लड़की का नाम नेहा तनवर है। ये लड़की दिल्ली से मुंबई जॉब करने आई, स्टेशन पर उतरते ही किसी ने इस पर एसिड फेंककर हमला किया। भीड़ होने की वजह से हमलावर भाग निकला और पुलिस को अभी तक इस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं अदिति सोमवारे, मुंबई खबर। सिर्फ इतना ही फुटेज है लेकिन इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। करो सर। इस आदमी का चेहरा तो ढका हुआ है,
सर एक कुलीनर्स का काफी दूर तक पीछा किया था लेकिन भीड़ का फायदा उठा के आदमी भाग गया। लड़के के पिता ने कुछ बताया? थोड़ी देर बाद उनसे बात। लड़की अभी काफी सीरियस कंडीशन में, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं। ये आदमी कोई जान पहचान वाला हो सकता है। फैमिली से पता करो, किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं था? ये लोग पहली बार मुंबई आए हैं, लड़के अपनी जॉब ज्वाइन करने आए थे। हो सकता है कोई पुराना बॉयफ्रेंड हो या कोई दोस्त जो पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया हो। नहीं नहीं सर, हमें ऐसा तो कुछ नहीं लगता। सीसीटीवी फुटेज से नजर आता है कि उस लड़के ने नेहा के कंधे पर टैप किया, नेहा मुड़ी और उसने एसिड फेंका। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से प्लान था। नेहा का कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो ऐसा कर सकता? नहीं सर, नेहा ऐसी लड़की नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं सर। हो सकता है ये लड़का आपकी फैमिली की जान पहचान का हो, जिसे नेहा की सगाई की बात हुई हो या फिर शादी की। हो सकता है वो किसी बात पर नाराज हो गया हो। देखिए, लड़के का चेहरा ढका हुआ था लेकिन उसकी कदकाठी देखकर पता चलता है कि लड़का जवान था। जल्दी से टीवी लगाओ। अरे पर हुआ क्या है? तुम टीवी तो लगाओ। पता नहीं रिमोट कहाँ रख दिया इन बच्चों ने। आलोक, प्रिया। हाँ माँ। क्या हुआ मामा? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? अरे शीला, आप तो बताओ कि बात क्या है। नहीं, तुम पहले टीवी शुरू करो। बेटा टीवी लगा जरा। क्या हुआ है आंटी? बेटा टीवी वाले नेहा के बारे में कुछ खबर दिखा रहे हैं। दीदी, पर मेरी बात हुई थी नेहा के पापा से। तू न्यूज़ चैनल तो लगा। या फिर लड़की की उम्र 24 साल है, मुंबई में वो ट्रेजेडी डिपार्टमेंट में अपनी जॉब ज्वाइन करने आई थी। वो लोग बस ट्रेन से उतर ही थे, उसके पिता उसके साथ ही थे, बस तभी हादसा हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि वो 20% जल चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। सर नेहा की तबीयत अब कैसी है? नेहा की फैमिली फिलहाल हमसे बात करने की कंडीशन में नहीं। ये हादसा आज सुबह ही हुआ था पर पुलिस को फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नेहा पे एसिड फेंकने वाला था कौन। नेहा की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। मुंबई खबर से मैं अदिति सोमवारे आपको इस खबर पे अपडेट देते रहूंगी। माँ! मम्मी! माँ! मम्मी! माँ उठो माँ! क्या हुआ? माँ! नमिता! माँ! डॉक्टर्स का कहना है नेहा बात नहीं कर सकती, वो देख भी नहीं सकती। उसकी बाई आंख तो ठीक है पर वो उसे खोल नहीं पा रही। पर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं है नमिता। पुलिस का कहना है किसी ने उसे पीछे से थपथपाया। मैं तो आगे था, मैं कुछ देख नहीं पाया। उसकी चीख सुनकर मैं पलटा, मेरे हाथ पे भी कुछ गिरा था, जलन होने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उसने नेहा पर एसिड फेंका था। मैं आलोक और प्रिया को लेकर वहां आ रही हूं। जल्दी आ जाओ नमिता। वो हमलावर कौन था? उसका चेहरा ढका हुआ था और महज 10 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से भी उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं मिल रहा था। और नेहा के परिवार को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि नेहा के साथ ऐसा कौन कर सकता है। सर, ये सिर्फ अंदाजे से बनाया है। उसका चेहरा ढका हुआ था, हो सकता है वो ऐसा दिखता हो और शायद ना भी। सर सीसीटीवी में देख के लगता है हाइट कुछ 5'10" 5'11" होगी। देखते हैं, शायद इसे देखकर लड़की के पिता या मौसा जी उसे पहचान जाए। माँ, फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा महंगी है, 11,000 की एक टिकट है। मैं ट्रेन की टिकट देखूं क्या? बेटा इतना पैसा अभी टिकट पे खर्च नहीं कर सकते,
आगे के खर्चों में जरूरत पड़ेगी। रमेश भाई, आप ट्रेन का टिकट पता कीजिए। जी। नहीं सर, मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूं। उस लड़के के हाथ में एक बॉटल थी सर। शायद उस बॉटल में एसिड था। एक बात मुझे अभी याद आई है सर। क्या? ये जो भी कुछ जिस तरह हुआ, मेरे बात दिमाग से निकल गई थी सर। उस लड़के को मैंने ट्रेन में ही देखा था सर। ट्रेन में? जी। सर, वलसाड़ स्टेशन आया था और मैं बस देखने के लिए बाहर आया था। आप उसका चेहरा पहचान सकते हैं? एक दो सेकंड की बात थी सर, इसलिए सॉरी बेटा। क्या कोई ऐसा है जो दिल्ली का ही हो? देखिए, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, नेहा का कोई ऐसा दोस्त जो उसे बहुत नाराज हो? सर, मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसका नेहा से झगड़ा हुआ हो। देखिए सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं। नेहा मेरी बड़ी बेटी है, शुरू से क्लास में टॉपर रही है। वो बहुत जिम्मेदार और समझदार लड़की है। सर, मैं दिल्ली शिफ्ट ही इसलिए हुआ था कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, और नेहा बहुत होनहार है, कोई उसका दुश्मन क्यों हो सकता है? सर, वो तो अपना करियर बनाने मुंबई आई है। बड़ी मेहनत से उसने गवर्नमेंट एग्जाम पास किया है, सिलेक्ट भी हुई है। क्यों कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा? देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर देता हूँ। उसके लंग्स बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल हमने उसे लंग सपोर्ट सिस्टम पे रखा है, लेकिन उसकी विंड पाइप और फूड पाइप, जिससे सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, वो भी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। फिलहाल हम उसे ट्यूब के सहारे इंट्रावेनस लिक्विड फीड कर रहे हैं, एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग वेल। अनफॉर्चुनेटली उसने एसिड निकल लिया है। क्या हम उससे बात कर सकते हैं? नहीं, वो बात नहीं कर पाएगी। उसका वोकल कॉर्ड भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, बट शी कैन रिस्पॉन्ड। वो राइटिंग में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। उसकी राइट आई पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, अब वो उससे कभी नहीं देख पाएगी, और उसकी लेफ्ट आई में भी घाव है। हम एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, हमसे जो मुमकिन होगा हम वो करेंगे। एक और बात, आप लोगों का जो ये हॉस्पिटल बिल है, इसके लिए आप लोग अकाउंट सेक्शन में जाके एक बार बात कर लीजिए। इस केस में मेरे ख्याल से रेलवेज वाले आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप एक बार अकाउंट सेक्शन में जाकर के इस मैटर को डिस्कस कर लीजिए। आई होप दे विल हेल्प यू ऑल। मुझे इस केस की जानकारी है। हादसा रेलवे प्रीमाइसेस में हुआ था, मेडिकल एक्सपेंसेस रेलवे ही बेयर करेगा। ओके ओके सर, मैं हॉस्पिटल को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लड़की के स्कूल, कॉलेज, दिल्ली में जहाँ से उसने इंटर्नशिप की थी, सभी जगह की डिटेल्स मिल गई। इन तीनों जगहों पर हमें इंक्वायरी करनी होगी। लड़की के कुछ दोस्तों के नाम भी मिल गए। और हाँ सर, लड़की के अंकल ने ट्रेन में उस लड़के को देखा था जिसने अटैक किया। ऐसा हो सकता है वो दिल्ली से पीछा कर रहा हो? हो सकता है।
लेकिन सर लड़की के अंकल उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए थे। लड़की की हालत अब कैसी है? क्योंकि वो अकेली है जिसने शायद उस लड़के को देखा हो, शायद वो उसे पहचानती भी हो। सर लड़की ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन अभी दो तीन दिन लगेंगे, उसके बाद ही उससे पूछताछ की जा सकती है। सर मैं नेहा को इंटर्नशिप के दिनों से जानती हूँ, और हम लोग तब तक एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे जब तक उसने मुंबई जाने के लिए जॉब छोड़ा नहीं था। मुझे नहीं लगता उसकी जिंदगी में ऐसा कोई था। स्कूल के दिनों का कोई हो? वो मैं नहीं बता सकती सर, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि नेहा एकदम फोकस्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। नेहा की माँ, भाई और उसकी बहन तीनों कल रात को ही ट्रेन से मुंबई के लिए निकल गए। कॉलोनी में कोई ऐसा भी है जिसकी नेहा के साथ दुश्मनी हो? जी नहीं, नेहा बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है, उतनी ही जिम्मेदार भी। थैंक यू। तो सोच भी नहीं सकती कि नेहा जैसी लड़की की किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। पर किसी के साथ तो दुश्मनी थी, तभी तो यहाँ सब। लेकिन कौन हो सकता है? हम तो उस फैमिली को बरसों से जानते हैं, अगर कुछ भी अटपटा होता तो हमें पता जरूर लगता। और फिर कॉलोनी में कोई बात छुपती तो नहीं है? नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, होनहार है, उसका तो अपनी पढ़ाई और करियर इसी में दिमाग चलता है, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती वो। क्या कोई ऐसा है जिसे नेहा के माँ बाप ने पहले पसंद किया हो और बाद में रिजेक्ट कर दिया हो? बेटा देख, सब लोग आ गए हैं, माँ है, प्रिया है, आलोक है। अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अब सबको पूरा भरोसा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमें भी नहीं पता बेटा। पापा मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। वो लिखकर कम्युनिकेट कर सकती है, कल से लिख लिख कर ही रिस्पॉन्ड कर रही है। उससे भी हमें काफी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक हम उस लड़के को पकड़ नहीं पाए। नेहा का स्टेटमेंट मिल जाएगा तो शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। सर नेहा की फोन लिस्ट में उसके जितने भी फ्रेंड्स थे सबसे बात कर ली, किसी को भी अंदाजा नहीं है कि वो अटैकर कौन हो सकता है, कोई उसे हैरेस कर रहा हो या उसको कोई पीछा कर रहा हो, ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सर एक पॉजिटिव न्यूज है, नेहा अब लिख कर बात कर सकती है। दैट्स गुड, मूव। नेहा को कंधे पर किसी ने टैप किया, उसने मुड़कर देखा और उस पर एसिड फेंका गया। क्या नेहा उस हमलावर का चेहरा देख पाई थी? क्या नेहा उस हमलावर को पहचानती थी? उसने मेरे कंधे पर टैप किया, मैं मुड़ी और उसने मेरे चेहरे पर कुछ फेंका, मैं देख नहीं पाई वो कौन था। नेहा क्या कोई ऐसा था जो तुम्हें तंग कर रहा था, कोई ऐसा जो तुम्हारा पीछा कर रहा हो? तुम्हें शक है किसी पर? उस लड़के की कदकाठी ठीक ठाक थी, उसकी हाइट कोई 5'10" से 11" होगी। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एग्जाम था ना, वो मैंने क्लियर कर दिया है, मिठाई देने आई हूँ। मैं आंटी को देख के आती हूँ। हाँ आंटी, मनीष हो सकता है। शिव
मनीष कौन है? मनीष तो हमारे पड़ोसी का लड़का है। नहीं रौनक, मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहूंगी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं। देखो नेहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यू टेक योर टाइम। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर ये सच में पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। रौनक भी हो सकता है। ये रौनक कौन है? रौनक खत्री? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रौनक तो मेरे दोस्त का बेटा है, उसके पापा और मैं साथ में काम करते थे। देखो पंकज, हम दोनों ही जानते हैं कि इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तो फिर क्यों? क्योंकि नेहा तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। नेहा प्लीज हेल्प मी। मैं जानती हूँ पंकज, बट आई एम रियली सॉरी। पूजा अपना डिसीजन ले चुकी है, आई थिंक तुम्हें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पंकज सैमुअल भी हो सकता है। ये पंकज सैमुअल कौन है? पूजा का एक्स बॉयफ्रेंड। पूजा मतलब तुम्हारे पहले वाले ऑफिस की कलीग? हेलो, एक मिनट, रौनक का फोन है। बात करो उससे, पर उसे कुछ पता मत चलने देना। हाँ रौनक, मैंने नेहा के बारे में सुना। मैं तुम्हें तुरंत कॉल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा नंबर अभी जस्ट मिला मुझे। अभी कैसी है नेहा? ठीक नहीं है। और पुलिस को कुछ पता चला ये अटैक उस पर किसने किया था? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सच प्रिया, नेहा के बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। वो अपना नया जॉब ज्वाइन करने वाली थी ना? ठीक है प्रिया, टेक केयर और नेहा का भी ख्याल रखना। बाय। नेहा दीदी के बारे में पूछ रहा था कि पुलिस को कुछ पता चला कि एसिड अटैक किसने करवाया था? पता नहीं कौन था, पर आपने जो उसके बारे में बताया उससे तो यही लगता है कि इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता है। अब शक के दायरे में तीन लोग थे, हालांकि शक की बुनियाद पक्की नहीं थी। नेहा ने उस हालत में उस लड़के की कद काठी के बारे में जो कुछ सुना समझा उससे ही अंदाजा लगाया गया था। क्या यह एक लीड थी जो पुलिस को सही दिशा में ले जा सकती थी? जी मनीष, 2 जून 2013 को कोलकाता गया था इंटरव्यूज देने के लिए। इंटरव्यूज कहाँ पे? कुछ आईटी कंपनीज में, पर इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। जी उस वक्त वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। इस वक्त कहाँ है? जी इस वक्त वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है। यस, दिस इज मनीष सिंह। क्या तुम 4 और 5 जून 2013 को कोलकाता में थे? जी हाँ, 4-5 कंपनीज के इंटरव्यूज थे। कंपनीज के नाम देना। या श्योर। यस हाँ सर, मैं जानता हूँ नेहा के साथ क्या हुआ, सारे न्यूज चैनल्स पर यही तो खबर है। 4 और 5 जून 2013 को तुम कहाँ थे? मैं सर लखनऊ में था,
पर आप कहना क्या चाहते हो? तुम नेहा से नाराज थे क्योंकि पूजा के साथ तुम्हारा पैचअप करवाने में उसने मदद नहीं की थी। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो नेहा, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज हेल्प मी। देखो पंकज, पूजा ने अपना डिसीजन ले लिया है, वो अपने पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें भी ये बात समझनी होगी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तुम भी उसे भुलाकर आगे बढ़ जाओ। नेहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसे भूल जाऊंगा? अरे इनफैक्ट हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी। मैं जानती हूँ पंकज, पर अगर पूजा ने तय कर ही लिया है कि वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी करना चाहती है, तो तुम्हें भी उसके सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि वो तुमसे रिश्ता रखना चाहती है पर फिर भी अपने पेरेंट्स के वजह से चुप है। वो अपना डिसीजन ले चुकी है पंकज, और हमें भी उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं जानती हूँ थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा दुख होगा, बट मूविंग ऑन इज द बेस्ट ऑप्शन, ट्रस्ट मी। हाँ सर, मैं उसे थोड़ा अपसेट जरूर था क्योंकि अगर वो चाहती तो मेरी हेल्प कर सकती थी, उसकी हेल्प से मेरे और पूजा के रिलेशन को एक मौका मिल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। सो आई जस्ट मूव्ड ऑन, मैं और कर भी क्या सकता था सर, और वैसे भी इस बात को तो एक साल से ऊपर हो चुका है। तुमने केमिस्ट्री में एमएससी किया ना? जी हाँ। केमिकल्स के बारे में अच्छे से जानते होगे, लैब्स में जॉब करते थे ना? देखिए सर, अगर आप ये कहना चाहते हो कि नेहा पे वो एसिड अटैक मैंने किया है तो ये सच नहीं है सर। सर मैं तो एक साल से नेहा के कॉन्टैक्ट में ही नहीं हूँ सर। इनफैक्ट आखिरी बार जो मैं उसे मिला था वो वही था जब मैं उसे हेल्प मांगने गया था और उसने मना कर दिया था सर। दैट्स इट। 4 और 5 जून 2013 को तुम कहाँ थे? सर मैं आपसे बता चुका हूँ, मैं लखनऊ में था, मेरी ऑफिस का सेमिनार था, उस सिलसिले में वहाँ गया था सर। कोई गवाही दे सकता है कि तुम वहाँ थे? हाँ सर, आप मेरे सीनियर्स कलीग्स किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे सर। मनीष सिंह और पंकज सैमुअल तो नहीं है? अब बसता है रौनक। तो उसका प्रिया को फोन करना कुछ अजीब था। जी रौनक खत्री। जी वो मेरा भतीजा है। कहाँ है वो? सर मैं नेहा को स्कूल के दिनों से जानता हूँ, उसके पापा और मेरे पापा साथ में काम करते हैं, मैंने तो सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न फोन किया था। तो तुम्हारा कंसर्न ये था कि पुलिस के मुजरिम तक पहुँच तो नहीं गई? नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने ये काम किया हो। हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन है। सर लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कि आपका शक मुझ पर ही हो? मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर वो कॉन्फिडेंट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और ज्वाइन कर लेगी। देखिए मैं हालात समझ रहा हूँ, पर कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो ज्वाइनिंग डेट तक नहीं आ सकी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम लोग 5 तारीख को ही आ गए थे, ज्वाइन होने के 10 दिन पहले, पर ये हादसा हुआ। और आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए मुझे, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर प्लीज, मैं कैसे दिखूंगी इसकी चिंता आप मत कीजिए, बस मुझे ठीक कर दीजिए। मैं जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ, नॉर्मल लाइफ शुरू करना चाहती हूँ। तुम बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर पाओगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमसे जो मुमकिन होगा हम वो सब करेंगे। हाँ नेहा मुझे अच्छी लगती थी, पसंद भी करता था मैं उसे, प्यार करने लगा था, मैंने तो उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया था। नेहा देखो, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, तुम भी जॉब करती हो और मैं भी, हम दोनों काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी रौनक, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। नेहा एक बार सोच के तो देख लो। मुझे नहीं लगता कि सोचने से कुछ भी बदलेगा, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। फिर मैंने उसका डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद फिर मैंने कभी नेहा के बारे में उस तरह से नहीं सोचा। ऐसा तुम कह रहे हो पर सच यह है? नहीं सर, सच यही है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नेहा को भुला दिया था।
सच यह है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड थे। तुमने देखा कि नेहा तुमसे दूर जा रही थी, उसके इनकार को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही एसिड उसके ऊपर फेंक दिया। सर सर ये झूठ है। रौनक ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए हम नेहा की पूरी फैमिली को जानते हैं। उसने कभी भी अपने और नेहा के संबंधों के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा। हम ये तो नहीं कह रहे कि उसने ये सब कुछ किया है, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों किया है? नेहा ने जो सस्पेक्ट्स में नाम दिए हैं उसमें से एक नाम रौनक का भी है। नहीं हमें तो नहीं पता कि रौनक ने कभी नेहा को प्रपोज किया था। नेहा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि रौनक उसे परेशान करता था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपकी बेटी का पीछा करता रहा और आपकी बेटी को लगता हो कि रौनक ने उसका डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया, पर एक्चुअली ऐसा ना हुआ। नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर नेहा ने आपको जो तीन नाम बताए वो आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक थे। शायद हो सकता है कि लड़का कोई मुंबई का ही हो। आप लोग पहली बार मुंबई में आए हैं, मुंबई में कोई ऐसा है जिसे आप या आपकी बेटी पहले से जानते हो? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन सर रौनक ये सब नहीं कर सकता। शायद आप लोग कुछ मिस कर रहे हैं। सॉरी पक्का नहीं कह सकता सर, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया था। डॉक्टर ने क्या कहा? नेहा की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है नेहा की विंड पाइप में जो होल किया गया था उसे बंद कर देना चाहिए। या सर, लेकिन पहले फीडिंग ट्यूब को उसके स्टमक में इंसर्ट करना होगा, या फिर लिक्विड इंटेक्स के लिए एक लाइन ओपन रखनी होगी। सर उसके लंग्स की कंडीशन भी बहुत बिगड़ती जा रही है। देखिए रेलवे रूल्स के हिसाब से लड़की का पूरा मेडिकल खर्च हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा बाकी इंतजाम हम नहीं कर सकते। लेकिन सर हम तो मुंबई में किसी को पहचानते नहीं हैं, और ना ही मैं इतना पैसे वाला आदमी हूँ। अगर हमारे रहने का कोई इंतजाम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये रूल्स के बाहर। आलोक को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, तुम लोग आ जाना। पापा मैं ठीक हो जाऊंगी, सब लोग अपना ख्याल रखो। मैं जानती हूं आप सब परेशान हैं, मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। रौनक के बारे में हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उसके फोन रिकॉर्ड्स, बाकी की सारी डिटेल्स भी चेक की,
वो 4 और 5 जून 2013 को दिल्ली में ही था। ऐसा तो नहीं कि उसने कोई अलिबाई तैयार किया हो? अभी तक कोई ऐसा सबूत तो हाथ नहीं आया और हमारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसने नेहा पर अटैक किया हो। अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ नेहा के बहुत से पड़ोसियों ने अवतार रिकॉर्ड कहा है कि वो लड़का नेहा के पीछे पड़ा। गॉसिप भी तो हो सकता है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता हम आगे नहीं बढ़ सकते इंस्पेक्टर शिंदे। चौबीस साल की जिंदा दिल नेहा अपने करियर की शुरुआत करने की उम्मीद आंखों में लिए मुंबई आई थी। वैसे ही जैसे कि कई नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं, बहुत आगे बढ़ने का ख्वाब लिए आई नेहा सिर्फ एक महीने के अंदर हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ चुकी थी। और वो बुजदिल हमलावर जिसने नेहा पर एसिड फेंका था वो अब तक पकड़ा नहीं गया था। ये भी पता नहीं था कि आखिर नेहा पर उसने हमला किया क्यों था। अब तक कोई मकसद भी सामने नहीं आया था। शायद इसके पीछे अतीत का कोई रिश्ता था, कोई मंगेतर, कोई प्रेमी, लेकिन अब तक इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। ये शॉकिंग केस एक ऐसी गुत्थी थी जिसका एक भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। ऐसा भी लगने लगा था कि शायद ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला हो। अगर मैं ना खुश हूं तो कोई और कैसे खुश हो सकता है? क्या नफरत का कोई मापदंड है? ये नफरत खुशी और नाखुशी के बीच का फर्क मिटाने के लिए किस हद तक जा सकती है? कल रात 11 बजे हम आपके सामने लेकर आएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग और देखेंगे कि वो मुजरिम कैसे पकड़ा गया और इस जुर्म को करने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या था। एक ऐसा मकसद जो किसी की भी कल्पना से परे था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।